हेलो एवरीवन तो कंटिन्यू करते हैं हमारे इन साइट आई एस अक्टूबर दो हज़ार बाईस के करंट अफेयर आज जो पोर्शन स्टार्ट करेंगे वो रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री और इसी के साथ साथ हम जोग्राफी की कुछ फिनोमेना है उनको भी देखेंगे देखिए जोग्रफी में जो मैपिंग का पोर्शन है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ठीक है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे तो इस वाले लेक्चर में हम दो चीज़ें देखेंगे स्पेशली सबसे पहला मॉडर्न इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री या फिर मॉडर्न इंडिया में जो हमारी पर्सनालिटीज न्यूज़ में रही थी उनको देखेंगे और इसी के साथ साथ हम कुछ जोग्राफी के फिनोमना देखेंगे जैसे आपको पता होगा अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हुई थी उसके क्या कारण है या फिर क्या क्या सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़े थे हमारी सोसाइटी में स्पेशली ठीक है इस रेनफॉल को लेकर तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर जो लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है ये हमारा ताना भगत मूवमेंट ठीक है अगर बात करें ताना भगत मूवमेंट की तो आपको पता होगा कि उन्नीस में या फिर मैं बोलूँ अप्रैल उन्नीस में ये मूवमेंट चलाया गया था ठीक है इसके लीडर थे हमारे जतरा भगत ठीक है याद रखना और अगर बात करें ताना भगत मूवमेंट के बारे में तो ये जो है ताना भगत मूवमेंट छोटा नागपुर में चलाया गया था ताकि जो आरआन कम्युनिटी में जो ईवल प्रैक्टिसेस थी उनको इराडिकेट किया जा सके और इन्होंने याद रखना जो ताना भगत मूवमेंट था इन्होंने जो है ज़मींदार पॉलिसीज़ को भी अपोज़ किया था ठीक है क्लियर चलिए और ये भी याद रखना ठीक है जो ये मूवमेंट था मैंने अभी बताया था कि आरआन कम्युनिटी द्वारा चलाया गया था और ये जो है गांधीन फ़िलासफी को फॉलो करते थे ठीक है आपको पता होगा गांधीन फ़िलासफ़ी क्या होती है ठीक है उसको ये जो जो है फॉलो करते थे और मैंने अभी बताया जत्रा भगत जो थे इनके फाउंडर थे ये ताना भगत मूवमेंट की ठीक है और मैंने अभी बताया था झारखंड जो है या झारखंड का छोटा नागपुर जो है उस इलाके में ये मूवमेंट चलाया गया था ठीक है क्लियर चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नानाजी देशमुख के बारे में ठीक है सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्टेक्स या फिर न्यूज़ में किस कारण था नानाजी देशमुख वॉज बॉर्न ऑन 11 अक्टूबर 1916 इन महाराष्ट्र हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ठीक है और ये जो है अक्टूबर के मन, मतलब नवंबर के करंट अफेयर तो इसी के कारण जो अक्टूबर की चीजें है वो भी इसमें इनकलकेटेड है ठीक है आपको पता होगा जो ग्यारह अक्टूबर को जो है इनका बर्थ हुआ था या फिर ये जन्म हुआ था जिसके कारण ये न्यूज में आए थे अब बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन जो सोसाइटी में ठीक है ये जो है अगर बात करें हमारे नानाजी देशमुख के बारे में तो ये जो है एक सोशल रिफॉर्मर एजुकेशनिस्ट पॉलिटिशियन माने जाते हैं ठीक है और जो जनता पार्टी है इन्हीं के अंडर में आती है ठीक है इन्होंने चित्रकूट ग्रामोदया विश्वविद्यालय भी स्टैब्लिश किया था याद रखना इंडिया का पहला रूरल यूनिवर्सिटी था बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आपको एस वगैरह में लिखने के लिए आएगी एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो इनका नाना जी देशमुख का एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो ये लिख ये लिख के कि ये जो है इन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो है पहला रूरल यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में इस्टैब्लिश किया था ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना और इन्फ्लुंस की बात करें तो ये जो हमारे लोकमान तिलक है उनके आइडियोलॉजी या फिर उनकी जो विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये नानाजी देशमुख ठीक है ये एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन आचार्य विनोबा विनोबा भावे भूदन ठीक है तो ये भी याद रखना आचार्य विनोबा भावे भूदन जो है इसमें भी बहुत एक्टिवली इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था ठीक है देशमुख मेन फोर्स बिहाइंड द सोशल एक्टिविटीज है प्रकाश नारायण एजुटेशन टू द टोटल रेवोल्यूशन इन दो हज़ार उन्नीस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ट द भारत रत्न ठीक है और ये भी याद रखना दो हज़ार उन्नीस में इन्होंने हमारे प्रेजिडेंट जो रामनाथ कोविंद जी थे उस टाइम पे उन्होंने इनको भारत रत्न भारत रत्न से भी सम्मानित किया था अगर वैल्यूज की बात करें तो इनमें कंपैशन बहुत ज़्यादा था सोश सर्विस लोगों को करना ठीक है ठीक है पॉलिटिकल एक्यूम एक्यूबमैन ठीक है तो ये सारे के सारे जो है क्वालिटीज़ या फिर मैं मबूल वैल्यूज़ इन नानाजी देशमुख में थी और ये सारी की सारी क्वालिटीज़ आप एथिक्स में इनकलकेट कर सकते हो जब भी आपको एग्ज़ाम्पल लिखना हो कि कंपेशन के बारे में या फिर सर्विस टू द पीपल आप वहाँ पर नाना जी देशमुख का नाम कोट करके लिख सकते हो ठीक है क्लियर चलिए अगला हमारा पर्सनैलिटी है वो है जयप्रकाश नारायण जी ठीक है अभी हाल ही में जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने पंद्रह फीट का जो है स्टैचू इनाग्रेट किया जयप्रकाश नारायण का क्योंकि इनकी वन ट्वेंटी एथ बर्थ एनिवर्सरी थी और ये भी याद रखना कि जो जयप्रकाश नारायण है सोशलिस्ट को बहुत ज़्यादा मानते थे या फिर सोशलिस्ट के आइकॉन थे ठीक है ये भी याद रखना बर्थ से ही जो है इनका जो रुझान है सोशलिस्ट सोशलिज्म के उ... तरफ जो है झुका रहता था या फिर सोशलिज्म की भावना इन्होंने बहुत ज्यादा फॉलो करी ठीक है क्लियर अब बात कर लेते हैं इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में सबसे पहला पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात करें तो ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि फाउंड हुई थी नाइनटीन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना ठीक है अगला है कि ही फॉर्म द सोशलिस्ट पार्टी ठीक है ये भी मैंने अभी बताया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बाद में जाके ये जो हमारी किसान मजदूर प्रजा पार्टी है उसके साथ मर्ज हो गई थी और बाद में ये जो मर्ज होने के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनके उभरी थी 1952 में और ये भी याद रखना जेबी की ये थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी ठीक है तो याद रखना ये आपसे डायरेक्टली प्रेले में पूछा जा सकता है कि बताइए कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी किसने फॉर्म करी थी तो याद रखना जे कृपलानी ने और ये भी याद रखना सोशलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी ये याद रखना जयप्रकाश नारायण जी ने ठीक है क्लियर और बाद में ये दोनों का एमेलगमेशन हो गया था फिर बाद में जाके ये जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन उभरी थी इन द ईयर ऑफ नाइनटीन ठीक है ही लेट द संपूर्ण क्रांति याद रखना जब इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगाई थी तो 1975 में जो टोटल रेवोल्यूशन था वो जयप्रकाश नारायण जी ने ही लीड किया था या इन्हीं के द्वारा जो है लीड हुआ था पूरा का पूरा संपूर्ण क्रांति ठीक है क्लियर चलिए ही वॉज रिल्यूशन विद द पोलिटिकल पार्टीज एंड कॉल्ड फॉर द कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी पार्टीज ही बिलीव एंड एंडससेप्टेबल द मोरल फाइनेंशियल करप्शन ठीक है कहने का मतलब ये है कि ये जो है सेंट्रलाइज चीज़ों पे बिलीव करते थे ठीक है मतलब कहने का मेरा ये कि चीज़ें जब जितनी सेंट्रलाइज होंगी ना उतना ही फायदा होगा फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमारे स्टेट है फॉर एग्जांपल ठीक है अगर मान लीजिए स्टेट को भी सेंट्रल जितनी पावर दे दी जाए तो हो सकता है कि हमारे जो सोसाइटी में जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है हमारी सोसाइटी में वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाए ठीक है क्योंकि हमारे यहाँ पे सेंटर ही जो है वो सारा चीज़ देखता है और जो स्टेट है वो लोकल लेवल पर देखते हैं तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम जो है इसको सपोर्ट करते थे ठीक है और ये फाइनेंशियल करप्शन वगैरह को भी अपोज करा करते थे ठीक है और ये मोरल इंसान थे मोरालिटी को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे ठीक है अगर वैल्यूज़ की बात करें तो पेट्रोर्टिजम बहुत ज़्यादा था इसमें इनमें ठीक है सोशलिज्म भी बहुत ज़्यादा था सेल्फलेसनेस की भावना थी प्रिजर्वरेंस की बहुत ज्यादा भावना थी फिर जस्टिस को भी ये प्रमोट करते थे ठीक है तो ये सारे के सारे जो है एथिक्स में आप एग्जाम्पल की तरह तौर पर यूज कर सकते हो ठीक है चलिए अगला हमारा सूर्य दिवस के बारे में ठीक है शौर्य दिवस के बारे में सूर्य दिवस बोल रहा हूँ शौर्य दिवस के बारे में ठीक है अभी हाल ही में छिहत्तरवीं इन्फेंट्री डे ठीक है सेवेंटी सिक्स इन्फेंट्री डे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टुडे अटेंडेड द शौर्य दिवस प्रोग्राम ठीक है याद रखना कि अभी हाल ही में छहत्तरवीं इन्फेंट्री डे जो है मनाया गया था ये पी में डायरेक्टली पूछ पूछ लिया जाता है कि बताइए अभी हाल ही में कौन सा इन्फेंट्री डे डे जो है हमने मनाया था तो याद रखना सेवेंटी ठीक है और ये जो हमारे प्रधान जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने जो है शौर्य दिवस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ वगैरह किया या फिर जो हमारी आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया था उसको अटेंड किया था ठीक है अब बात कर लेते हैं इन्फेंट्री डे के बारे में इन्फेंट्री डे इज़ ऑब्जर्व एज अ रिमेंबरेंस ऑफ द फर्स्ट मिलिट्री इवेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया ठीक है याद रखना इन्फेंट्री डे मनाया ये जाता है कि जो हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया थी नाइनटीन के बाद ठीक है जो हमारे फर्स्ट मिलिट्री इवेंट था उसको रिमेंबर करने के लिए जो है इन्फेंट्री डे मनाया जाता है ठीक है व्हेन इंडियन आर्मी रिपीट द फर्स्ट अटैक ऑन द सॉइल ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी सेवन इन नाइनटीन फोर्टी सेवन ठीक है जब नाइन अक्टूबर ट्वेंटी सेवन नाइनटीन फोर्टी सेवन के बाद जो है हमारी इंडियन आर्मी जीत गई थी तो उसी इवेंट को सेलिब्रेट या फिर उसी इवेंट को रिमेंबर करने के लिए या फिर मार्क करने के लिए जो है ये इन्फेंट्री डे मनाया जाता है ठीक है हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा ठीक है क्लियर चलिए बोथ ईयर द इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स आर गोइंग टू सेलिब्रेट द स्पेशल डे शौर्य दिवस ठीक है तो याद रखना हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर जो है शौर्य दिवस मनाया मनाती हैं ठीक है दिस ईयर इज़ ऑल्सो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन इन द इंडियन एयरफोर्स कश्मीरी कश्मीरी एयरबेस ठीक है तो यहाँ पे ये मनाया गया था ये सेलिब्रेशन या फिर इस चीज़ का जो शौर्य दिवस का सेलिब्रेशन या फिर प्रोग्राम किया गया था ठीक है अब बात कर लेते हैं महाराजा हरि सिंह ऑफ श्रीनगर साइन द असेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन छब्बीस अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी सेवन विच वॉज विच, विच आफ्टर विच जम्मू कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया ठीक है याद रखना कि जो महाराजा हरि सिंह थे श्रीनगर के उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेंट साइन किया था 26 अक्टूबर 1957 47 को उसी के बाद जो जम्मू कश्मीर हमारा इंडिया का पार्ट बन गया था ठीक है अगला है हमारा प्रजमशन थ्रुम मु, थेवार ठीक है तो ये थोड़ा तमिल के है पर्सनालिटी में दिखा देता तो हूँ इनकी फोटो इसीलिए थोड़ा इनका जो है नाम बड़ा अजीब सा है ठीक है सबसे पहले समझते हैं कि न्यूज में किस कारण था या फिर कॉन्टेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड द ट्रिब्यूट टू तो द फ्रीडम फाइटर ऑफ ठीक है थेवार मैं थेवाड़ी बोलूंगा इनको ठीक है आप पढ़ लेना पूरा का पूरा नाम ठीक है इनके जो है इनको जो याद करते हुए इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया और याद रखना ये एक फ्रीडम फाइटर थे तमिल से ठीक है तमिल इन देंस तमिलनाडु से ठीक है क्योंकि ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे अगर बर्थ की बात करें तो 30 अक्टूबर 1908 को इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में ठीक है और ये जो है एक फ्रीडम फाइटर थे और इसी के साथ साथ एक स्परिचुअल लीडर भी थे और याद रखना कि जो अगर बात करें तमिलनाडु में ठीक है या फिर मैं बोलूँ मुकुलोथर कम्युनिटी जो है तमिलनाडु में उन वहाँ ये जो है एक भगवान की तरह इनको पूजा जाता है ठीक है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे मल्का थोर जो कम्युनिटी है तमिलनाडु में वो इनको भगवान की तरह पूछती है और मैंने भी बताया फ्रीडम फाइटर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे ठीक है और ये भी याद रखना जो हमारे थेवार जी थे ये हिंदुआज़म को जो है अपोज करते थे ये मतलब जो हमारा हिंदुज़म का ट्रेडिशन है ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको डायरेक्टली प्रिले में बोल दिया जाएगा कि बताइए हिंदुज़म के खिलाफ थे या फिर उनको सपोर्ट करते थे तो याद रखना हिंदुज़म के जो ट्रेडिशन है उसको जो है सपोर्ट वगैरह या फिर एक्सेप्ट नहीं करते थे ठीक है कांग्रेस कांग्रेस की मेंबरशिप की बात करें तो ही बिकेम द फुल मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड अटेंडेड 1927 कांग्रेस सेशन एट मद्रास ठीक है वॉलेंट्री व्हेन ही वाज जस्ट 19 और याद रखना 1927 का इन्होंने पहला कांग्रेस या फिर मबलू सेशन अटेंड किया था जब ये सिर्फ और सिर्फ 19 साल के थे ठीक है एड ऑफ नाना जी ही बिकेम क्लोज टू द एड ऑफ़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ठीक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो है बहुत ज़्यादा करीबी थे ठीक है ही वॉज अटेंडेड द थ्री टाइम ऑफ द नेशनल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी एस ऑल इंडिया फॉरवर्ड व्लॉक ठीक है ही सपोर्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट आपको बता होगा जो साउथ इंडिया में जो दलित के लिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट था उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया था और बहुत दाद, बहुत हद तक जो है जो हमारे मार्जलाइज सेक्शन है उनको जो है इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था सोसाइटी में ठीक है ही वॉज़ इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट ठीक है रिपील्ड आफ्टर द कंटिन्यूस एफर्ट ऑफ 1946 और आपको पता होगा ट्राइबल जो हमारा क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट था उसको भी रिपील कराने में इनका बहुत वाइटल रोल था ठीक है और हो सकता है कि अगर शायद ये ना होते ठीक है हमारे थेवार जी तो हो सकता है हमको और ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते इसको इस एक्ट को रिपील करवाने में ठीक है क्लियर चलिए अगला हमारा टॉपिक है सरदार पटेल के बारे में ठीक है सरदार पटेल जी के बारे में बहुत इजी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है स्पेशली वही चीज़ मैं बताऊंगा आपको जो चीज़ें आप सरदार पटेल सर या मैं बोलूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में जो याद रखनी है सबसे पहला कि जन्म की बात करें 31 अक्टूबर नाइन एटीन फिफ्टी में इनका जन्म हुआ था और पंद्रह दिसंबर उन्नीस में इनकी मृत्यु हो गई थी और सरदार पटेल जी को बहुत पॉपुलर है ये ठीक है सरदार जो है इनको टाइटल दिया था मैं बताऊँगा अभी किसने टाइटल दिया था ठीक है इनको सरदार का बट ये चीज आपको याद रखनी है जब हमारा इंडिया आजाद हो गया था तो ये हमारे पहले फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और इसी के साथ साथ हमारे होम मिनिस्टर भी थे सरदार पटेल जी ठीक है और याद रखना जो हमारा खेड़ा सत्याग्रह था या फिर था उसमें इन्होंने वाइटल या फिर लीडरशिप का रोल प्ले किया था और याद रखना खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था 1918 में और बरदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में तो 10 साल का फर्क है याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है और मैंने अभी बताया था जो बरदोली की विमन थी ठीक है उन्होंने इनको टाइटल दिया था सरदार का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपसे डायरेक्टली फ्रेले में पूछा जा सकता है कि बताइए कि सरदार पटेल जी को सरदार का जो टाइटल है वो किसने दिया था तो याद रखना बरदोली की जो विमेन थी ठीक है उन्होंने इनको टाइटल दिया था सरदार का ठीक है ही वॉज़ अपॉइंटेड एज फोर्टी नाइन प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन द ईयर ऑफ़ नाइनटीन थर्टी फोर ठीक है तो ये भी याद रखना कि सरदार पटेल भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेजिडेंट रह चुके कई बार हमको ये बोल दिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा जो है प्रेजिडेंट रह चुका है इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो नहीं रह रह चुका है तो ये भी याद रखना सरदार पटेल जी रह चुके हैं और ये जो है 49th बने थे ठीक है? Quit India, quit India movement, ठीक है है प्रमोटिंग द क्विट क्विट इंडिया इंडिया मूवमेंट और याद रखना कि इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को भी प्रमोट किया था और इनको जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोबारा बोल रहा हूँ ठीक है ही रिमेंबर्स द पैटर्न सेंट ऑफ द इंडियन सिविल सर्वेंट ठीक है तो ये भी याद रखना कि इंडियन सिविल सर्वेंट का जो है सेंट बोला जाता है या फिर इनको जो है सेंट प्रो पैटर्न किया जाता है ठीक है और इन्हीं के नाम पे जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इनोग्रेट किया गया था जिसकी हाइट है फाइव फीट ठीक है क्लियर चलिए ही वॉज अ मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन इन 1948 ठीक है ये ये भी याद रखना लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो है फॉर्मुलेट या फिर रेजोल्यूशन लेके आने में इनका जो है बहुत वाइटल रोल था ठीक है और ये आई कब थी नाइनटीन में ठीक है अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्टिटूंट कमेटी जब हम या फिर कॉन्स्टिटेंट असेंबली बनी थी उसमें किस किस किसके जो है मेंबर या फिर हेड थे ये ठीक है सरदार पटेल जी सबसे पहला एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट ये इनके अंडर में थी फिर अगला हमारा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी फिर अगला हमारा कमेटी ऑन माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया तो ये तीन कमेटी थी जिनको ये जो है सरदार पटेल जी हेड कर रहे थे इन दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ और बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एज द नेशनल यूनिटी डे ठीक है ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2014 में हमारी सरकार ने डिसाइड किया गया था किया था कि जो सरदार पटेल जी का बर्थडे है हम उसको नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया ठीक है अब बात कर लेते हैं जोग्राफी के कुछ फिनोमेना सबसे पहला है हमारा द लिंगरिंग मानसून ठीक है जैसे आपको पता होगा कि अभी हाल ही में अगर 2022 का देखें पूरा साल तो मानसून ना बहुत ज़्यादा लिंगर करता रहा ठीक है आपको पता होगा अक्टूबर में छे सात दिन जो है अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल रही थी तो ये क्या है फिनोमिना है या फिर मैं बोलूँ क्लाइमेट चेंज का जीता जाता हमको उदाहरण देखने मिल रहा है कि जो हमारा मानसून है कितना लिंगर कर रहा है ठीक है या फिर लिंगरिंग हो रही है उसमें अब इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं बहुत सारे होते हैं अब देखेंगे आगे सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूज में क्यों कारण था रीअकरिंग रेज अक्टूबर कॉल फॉर द चेंजेस इन द मानसून डेफिनेशन मैंने अभी बताया था कि जब अक्टूबर में बहुत अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हो गई थी तो उसके कारण जो हमारा मानसून है उसका डेफिनेशन चेंज ही हो गया ठीक है जब रेनफॉल हमारी जून मई जून में होनी चाहिए वो बारिश हो रही है हमारी अक्टूबर के महीने में ठीक है सितंबर अक्टूबर तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा मानसून है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो चेंज होता जा रहा है ठीक है सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो है टाइटल है वाई कॉल अ फोर्स वाई कॉल फॉर अ चेंज इन द मानसून डेफिनेशन क्यों इसलिए हमको डेफिनेशन मानसून की डेफिनेशन में चेंज देखने मिला है सबसे पहला है शिफ्टिंग इन द पैटर्न ऑफ मानसून एक्टिविटी ठीक है इंस्टेंट ट्रेन ओवर दिल्ली एंड सेवरल पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया ओवर लास्ट फ्यू डेज कहने का मतलब यह है कि अक्टूबर के महीने में देखें तो दिल्ली जैसे इलाके या फिर नॉर्थ हमारे नॉर्थ वेस्ट इलाकों में बहुत ज्यादा जो सेवरल रेनफॉल हम, हमको देखने मिला और ये मैंने दिल्ली जैसे इलाके में मैं खुद दिल्ली में रहता हूं तो यहाँ पे भी बहुत दिन तक जो है अक्टूबर के महीने में रेनफॉल रहा था ठीक है अगला हमारा जो पॉइंट है चेंज इन द मॉनसून मंथ ठीक है अगर बात करें मानसून सीजन की अर्लियर कन्फाइंड नियरली फोर मंथ टू जून टू सेप्टेम्बर ठीक है तो मैंने पहले, पहले बताया था कि जो हमारा पहले जो मानसून सीजन था ठीक है जून से लेके सेप्टेम्बर तक रहता था ठीक है बट अगर बात करें अब तो ये जो है अक्टूबर तक एक्सटेंड होने लगा है इवन अक्टूबर के नवंबर में भी कुछ ना कुछ हमको थोड़ा बहुत रेनफॉल देखने मिला था ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि जो मानसून है वो धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है ठीक है द कंट्री एज होल रिसीव सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ मोर रेनफॉल फ्रॉम द अक्टूबर एक से लेकर दस ठीक है कहने का मतलब ये है कि पूरी पूरी कंट्री में देखें ऑल ओवर आर इंडिया तो सिक्सटी सेवन परसेंट हमने रेनफॉल एक अक्टूबर से लेकर दस अक्टूबर में ही रिसीव कर लिया ठीक है जितना मानसून में रिसीव करते हैं ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि जो रेनफॉल हम मॉनसून के सीज़न में विटनेस करते थे वो सीज रेनफॉल हम अब इस बार जो है हमने अक्टूबर के मंथ में जो है विटनेस किया रिविजन ऑफ विद्रोवल ऑफ डेट्स कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मानसून का डेट है वो रिवर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है ठीक है आई एम डी स्टैंड फॉर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिवाइज द एक्सपेक्टेड डेट्स ऑन द ऑन सेट और विद्रोवल ऑफ मानसून ठीक है आफ्टर थर्टी सेप्टेम्बर इस काउंटेड एज द पोस्ट मानसून रेनफॉल इवेंट थ्रू द रेनफॉल इज मेनली हैपनिंग ड्यू टू द वेदर सिस्टम ठीक है दैट फॉर्म ड्यूरिंग मानसून सीजन दिस इज हैपनिंग फॉर द थर्ड ईयर इन अर दो हज़ार बीस इक्कीस और बाईस और कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारा ईयर चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारा जो मानसून पैटर्न है वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है अब बात करते हैं कि इज इट अ क्लाइमेट चेंज ठीक है ये जो हो रहा है ये क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है तो आंसर इज यस ठीक है मैंने अभी बताया था कि जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज में हमको देखने मिल रहा है ठीक है या फिर क्लाइमेट चेंज बहुत रैपिडली हो रहा है वैसे वैसे ही हमारी जो हमारी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ है लाइक मॉनसून ठीक है रेनफॉल इन में भी हमको रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा और इसी के साथ साथ न सिर्फ क्लाइमेट चेंज इसी के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी एक वाइटल फैक्टर है जिसके कारण हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम जो है रेनफॉल हो रहा है या फिर किसी कई कई इलाकों में तो बाढ़ तक आ गया था और किसी किसी इलाकों में हमको जो है बहुत एक्सट्रीम ड्रॉट देखने मिलता है तो ये सारा का सारा जो चीज़ है या फिर सारा का सारा फिनमिन है क्लाइमेट चेंज और हमारा ग्लोबल वार्मिंग पर डिपेंडेंट है ठीक है अब बात कर लेते हैं इसके इम्पैक्ट क्या होंगे जब देखिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी तो उसके इम्पेक्ट क्या होंगे सबसे पहला फॉरकास्टिंग में चैलेंज आएगा फिर एग्रीकल्चर जो है हमारा उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा अब देखिए जब एग्रीकल्चर इम्पेक्ट होगा ना तो अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी में बहुत दूसरे इंपेक्ट देखने मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हमारा इकोनॉमी ग्रोथ नहीं होगा और जब हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर इंपैक्ट होगा तो अल्टीमेटली जो हमारी फूड कारसिटी है वो भी इंक्रीज होगा जब फूड स्कॉसिटी होगा तो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आएगा जब न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आएगा तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है माल न्यूट्रिशन से सफर करेंगे और अल्टीमेटली जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो भी डिस्ट्रॉय होगा इंडिया का और ह्यूमन कैपिटल डिस्ट्रॉय होगा तो अल्टीमेटली जो हमारी इकोमी है वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकती ठीक है अगला है हमारा इम्प्लीशन ऑफ द डैम मैनेजमेंट ऑब्वियसली बात है जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी तो डैम मैनेजमेंट में भी जो है हमको जो है टूट डैम वगैरह टूट जाएंगे या फिर डैम मैनेजमेंट में भी हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा फिर डिज़ास्टर रिलेटेड चैलेंजेस होंगे फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड वगैरह हो जाएगा ठीक है फ्लडिंग वगैरह हो जाएगा ठीक है तो ये सारे के सारे जो डिज़ास्टर हैं वो भी हमको देखने मिलेंगे ठीक है अगला हमारा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जो जियो स्पाशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस ठीक है अभी हाल ही में जो है इसका सेकंड <coughs> इनाग्रेल हुआ कहाँ पे हैदराबाद में ठीक है एंड द प्रधानमंत्री मोदी ऑफ इंडिया कॉल्ड द टेक्नोलॉजी टूल फॉर इंक्लूजन सबसे पहले समझ लेते हैं जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी होता क्या है देखिए इसमें तीन चीज़ें यूज़ होता है स्पेशली ठीक है फिर मैं बोलूँ तीन टूल यूज़ करता है सबसे पहले हमारा जी

इंडिविजुअल या फिर जो इसको आपको डिलीवरी देनी है उसकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए ठीक है अगर बात करें स्पेशली इंडिया में तो इंडिया में कैसे हम जो स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं देखिए हमारे बहुत से इनिशिएटिव बहुत से हमारी सरकार ने जो है प्रोग्राम चला रखे जैसे स्वामित्व स्कीम ठीक है हाउसिंग को ठीक है इन सब को जो है स्कीम को एनालाइज़ करना या फिर फिगर करना जो डेटा ठीक है या फिर जोग्राफिक लोकेशन इस सब को जो है बढ़ावा मिल सकता है हमारे जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के थ्रू फिर हमने पीएम गति मास्टर प्लान पी एम गति शक्ति मा मास्टर प्लान जो है वो चला रखा है फिर डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म ये सारे के सारे इनिशिएटिव में भी इंडिया को वाइटल रोल प्ले कर सकता है ये हमारा जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी अब बात करते हैं हाउ टेक्नोलॉजी यूज़ इज़ अ टूल फॉर द इंक्लूजन ठीक है अब ये इंक्लूजन की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहला कि जो हमारे साउथ एशियन के सैटेलाइट हैं ठीक है उनको कम्युनिकेशन या फिर कनेक्शन के लिए जो हम स्पेशली इंडिया के नेबरहुड में जो है यूज कर सकते हैं फिर अगला है हमारा इंडिया का जो ड्रोन सेक्टर या फिर स्पेस सेक्टर में भी बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकता है फिर जैम ट्रिनिटी आपको पता होगा ठीक है हैज़ द वेलफेयर बेनिफिट ऑफ 800 मिलियन पीपल सीमलेसली ठीक है तो ये सारे के सारे यहाँ पे बहुत रैपिडली हम यूज़ कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को ठीक है अगला हमारा कि वट इज़ द पोटेंशियल फॉर इंडिया जो स्पेशल इकोमी ठीक है अगर इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से देखें तो इसमें इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से क्या वाइटल या फिर पोटेंशियल हो सकता है अगर बात करें पोटेंशियल ग्रोथ की तो 2025 तक तिरसठ हज़ार एक सौ करोड़ तक की जो है इसकी रुपीज़ का जो है इकोनमी है इसमें इतना कंट्रीब्यूट करेगा अगर इकोनॉमिक ग्रो, ग्रोथ की बात करें तो ये टोटल होगा 12.8 परसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो स्विगी अमेजोन ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे वर्कर को फिर अल्टीमेटली जो हमारा मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव हमने चला रखा है उसको भी सपोर्ट करेगा अब सोच के देखिए हम जितना हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस करेंगे उतने ही चीज़ें हमारे जो वे हैं वो ओपन होते जाएंगे फॉर एग्जाम्पल जब नई नई टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके नए नए सोल्यूशन भी निकलेंगे तो कहने का मतलब ये है कि जो मेक इन इंडिया है उसमें भी जो है ये वाइटल रोल प्ले कर सकती है ये टेक्नोलॉजी या फिर मैं बोलूँ जियो टेक्नोलॉजी ठीक है अगला हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट में जैसे कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन बनाने में फ्लड कंट्रोल में भी यूज़ किया जा सकता है फिर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में भी इसका यूज़ किया जा सकता है अगला है हमारा कोलर फील्ड ठीक है इसके बारे में आपको यही चीज़ याद रखनी है कि जो कोलर फील्ड है ये हमारी कर्नाटका में है ठीक है और 2001 में इसको क्लोज कर दिया गया था ठीक है इससे ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं याद रखनी ये भी हमारी कोलर फील्ड और ये कर्नाटका का मैप है ठीक है अगला हमारा अर्थ को एक ऑयल एक्सप्लोरेशन जब हम ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह करते हैं उससे जो अर्थ एक जनरेट होता है उसके रिलेटेड ठीक है अब सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या जब हम गैस एक्सप्लोरेशन करते हैं तो उसके कारण क्या अर्थक्वेक वगैरह आ सकता है तो इसका आंसर है यस ठीक है कब होता है क्या है कि आपने अगर मशीन देखी ना ऑयल एक्सप्लोर करने की तो जब वो हम जमीन के अंदर डालते हैं तो उसके कारण जो हमारे सिस्मिक एक्टिविटी है वो जनरेट हो जाता है और जब सिस्मिक एक्टिविटी जनरेट होता है ऑब्वियस ये बात है आपने जोग्राफी में पढ़ा होगा सिस्मिक एक्टिविटी ही अल्टीमेटली अर्थक्वेक कॉज करती है तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह करते हैं उससे भी हमारे यहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है अब बात कर लेते हैं इंडिया के लिए कंसर्न क्या क्या है ठीक है सबसे पहला है कि इंडिया की अगर बात करें गैस प्राइजिस चार चीज़ों पे डिटरमाइन होती है या फिर ग्लोबल इंडाइसिस पे डिपेंड होती है सबसे पहला यूएस का हेनरी हब यूके का नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट कनाडा का एल्बर्ट एल्बर्टा ठीक है रशिया का गैस तो ये चार ग्लोबल ग्लोबल इंडाइसिस हैं जिनके कारण इंडिया की डोमेस्टिक गैस गैस प्राइस जो है डिटरमाइन होती है ग्लोबल प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन फ्रॉम चार हजार इन कैलेंडर 2021 टू 4089 दो इन 2019 2022 ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि 2021 के हिसाब से जो है हमारा ग्लोबल प्रोडक्शन जो है एस्टिमेटेड डिक्लाइन हुआ है ठीक है क्लियर चलिए अब यहाँ पे यह देख सकते हैं ये इसकी लोकेशन जो मैंने अभी आपको न्यूज में बताई थी ठीक है ये ठीक थी, है देर हैज बिन अ डिमांड टू शर्ट दिन गैस फील्ड इन द नैदरलैंड ठीक है तो ये भी याद रखना कि जेन की ग्रो, ग्रोनिंगर जो गैस फील्ड है ये हमारी नेदरलैंड में है ये इसकी लोकेशन ठीक है क्लियर चलिए अगला हमारा टॉपिक है दैट इज मैपिंग मैंने अभी बताया था कि मैपिंग वाला जो सेक्शन है ये अगले लेक्चर में कवर करेंगे ठीक है टिल दैन स्टेट्यून थैंक यू